सिंधी समाज को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और झूलेलाल जी से प्रार्थना करता हूं, हे परमपिता परमेश्वर सभी सिंधी समाज के पूरे पे कृपा बनाए रहे और मेरे देश में भी अमन चैन रहे और आने वाला नया साल खूब अच्छा रहे और देश खूब प्रगति करे, ऐसा हम सबको सद्बुद्धि दे। हम सभी धर्मों को सभी जातियों को साथ लेके चल सके, ऐसी हमें शक्ति सद्बुद्धि दे। हम उस गरीब के काम आ सके, उस अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के लिए काम आ सके जिसका एक भगवान आपके सिवाय कोई नहीं है, आपका दूत बन के हम उसका काम कर सके, ऐसी हमें शक्ति और सद्बुद्धि दे। एक बार पुनः संपूर्ण आपके समाज ने, सिंधी समाज ने हम लोगों को बुला के और मान सम्मान दिया और झूलेलाल जी के स्पेशली दर्शन करने के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए संपूर्ण सिंधी समाज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। करूंगा के उचियाना साहब का मोतियों की माला पहना के ईष्ट देव श्री झूलेलाल जी के आशीर्वाद से स्वागत की अगली कड़ी में महापौर कुंती देवड़ा जी का शॉल पहना के स्वागत करेंगी धनवंती जी देवानी, मिसेस राम देवानी। पूर्व मनोनीत पार्षद अंजुल रोपिया जी को शॉल पहनाने के लिए मैं मधु जी से निवेदन करूंगा। श्रीमान अशोक जी गिद्वानी से निवेदन करूंगा। फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित करें अशोक जी गिद्वानी साहब। के धनी श्रीमान प्रकाश जी जैन को मैं शॉल उड़ाने के लिए वासुदेव कैराल धनी। बाबा तेजवानी साहब से निवेदन अंजुल रोपिया जी को टोपी पहनाकर। ओके सर। आयो अल्लाह आले सबई चो झूले आप देंगे और मेरे साथ आके मिलेंगे, कहेंगे भाई साहब काम हो तो बताना। मान बड़ा है और एक तरह से हमने पूर्ण रूप से संकल्प ले लिया है कि इस बार काया कल्प होगी और इतिहास विरोध कर रहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत का है वो नजर आ रहा है और लोग उनसे हताश हैं और इस बार मौका करण सिंह जी को। राजा समस्त अतिथियों से निवेदन है कि आप मंचासीन हो जाएं। लेडीज के पारा मंचासीन हो कृपया अतिथिगण कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। टोपी पा रहे हैं टोपी दे दो अंदर टोपी दे दो। जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान करण सिंह उचियाना साहब स्वागत की कड़ी में हमारे बाबा तेजुमल जी ने सभी को सिंधी सभ्यता से ओतप्रोत झूलेलाल से लिखी हुई टोपी पहनाई है हमारे अतिथियों को। शॉल पहनाने की कड़ी में मैं मदन आयदासनी से निवेदन करूंगा कि करण सिंह जी उचियाना साहब का शॉल पहनाकर